जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि अगर पेट्रोल महंगा, अगर सस्ता करते हैं, पेट्रोल महंगा है लेकिन अगर पेट्रोल सस्ता किया भी है तो वो बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कर देते हैं कि इंसान के कानों से धुएं निकल जाते हैं। उनको गरीब बंदा अपना बिल पे करे, जिसका घर किराए पे वो किराया दे या पेट्रोल देखे या क्या करे, उनको इनको चाहिए। आगे बच्चे भी अगर कुंवारा हैं, चलो गुजारा होता है, शादीशुदा हो तो किस तरह गुजारा, सरमिया करे किस तरह गुजारा करेगा। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, लेकिन कुंवारे हैं और फिर भी इतने परेशान हैं। तो जाहिर सी बात है, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरी तो आपकी ना बीवी ना आपके बच्चे, तो फिर भी आप इतना किराए का घर है, बिल है, जाहिर है पेट्रोल का खर्चा है, मजाक तो नहीं ना। हुकूमत को चाहिए कि भाई गरीब बंदे के मामला में ताउन करे। शायद ज़रूरी है कि चीज़ें, जाहिर सी बात है हर चीज़ की ज़रूरत है, कपड़ा जूती लेना देना, सो रिश्तेदार कहीं आना जाना भी है और बहन बेटियां भी हैं, जाहिर सी बात है। यही वजह, इसी वजह से मैं किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, आप कोई मशवरा अगर देना चाहें हुकूमत को कि ये काम करें तो ऐसे महंगाई कंट्रोल हो सके? जाहिर सी बात है, इनको तो पहले चाहिए कि डैम बनाएंगे, बत्ती सस्ती क्यों कारोबार होगा, मुल्क जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ वो भी उतरेगा तो हमारा मुल्क मैशियत बहाल होगी। इंडिया हमसे 100 साल आगे, इनको चाहिए ना, तो गई हाँ, तो इंडिया के साथ तो यारी तो इनकी बहुत है, लेकिन इनको चाहिए ये चैनल से बत्ती ले लें। जब वो दे रहा है 500 रुपये फीगर या 300 रुपये फीगर, क्यों नहीं लेते? अगर नहीं बना सकते, इतनी पावर नहीं है तो जाहिर है फिर इनको चाहिए डैम बनाए, क्यों नहीं करें? इनको चाहिए मुल्क का सोचें, जब मुल्क, हाँ जी, मैं ये चाहूँगा कि मुल्क के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया।